हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल आगे का वीडियो देखा था, तो आज के वीडियो में एक्टिविटी फर्स्ट को हमने आपसे कहा था कि आप लोग इसको खुद ही करेंगे, तो आप आई होप आप सभी ने इसको डन कर लिया होगा। तो अब हम आगे का करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल के मुख्य घटक हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मेक अप सॉइल आर रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, ह्यूमस, मॉइस्चर, एयर एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म। यानी जो सॉइल के मेन घटक हैं, उसके जो मेन अवयव हैं, वो क्या क्या हैं? रॉक पार्टिकल्स हैं और मिनरल्स हैं, ह्यूमस है और मॉइस्चर है, एयर है और सॉइल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। रॉक पार्टिकल्स, दीज आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड कैन बी ए पार्ट ऑफ क्ले, सैंड और ग्रेवल। तो जो आपके रॉक पार्टिकल हैं वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, और उनका जो पार्ट है वो क्ले, यानी जो कीचड़ वाला होता है, सैंड बालू वाला है, ठीक है। ग्रेवल यानी जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनकी बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? क्ले एंड सैंड कंटेन मिनरल्स लाइक सिलिका। जो मिनरल्स है उसमें क्ले एंड सैंड कंटेन करते हैं क्या मिनरल्स, लाइक कैसे मिनरल्स? सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर नेसेसरी फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए ये सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये सब उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सिलिका आपका जो संगमरमर टाइप का पत्थर होता है उसी की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमस। ह्यूमस इट इज़ मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। ह्यूमस एड्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय प्रोवाइडिंग विथ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो आपका जो ह्यूमस है, आपको पहले ही पता है कि वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक से आपको प्रोड्यूस होता है आपकी सॉइल को, जिसमें आपके प्लांट या एनिमल्स जब वो डेथ कर जाते हैं तो जो उनका अवशेष होता है, यानी जो रिमेन्स है उसका, उसी से वो बनते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस क्या करता है? ऐड कर देता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। प्रोवाइडिंग विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी जो उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, उसी से बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, वो सॉइल का टेक्सचर यानी उसकी बनावट उसके को भी अलग कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और पानी को धारण करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। फिर नेक्स्ट है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है? सॉइल कंटेन्स वाटर अराउंड इट्स पार्टिकल। जो सॉइल है वो अपने अराउंड वाटर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है, कंटेन करती है। इट इज़ एब्जॉर्ब बाई प्लांट, जिसको एब्जॉर्ब कौन करता है? प्लांट करते हैं बाई फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन, यानी जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस है उसके थ्रू, और ट्रांसपीरेशन यानी जो वाटर लूज ऑफ वाटर करते हैं प्लांट, वो प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है एयर। एयर इज़ प्रेजेंट इन स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, यानी जो एयर है वो प्रेजेंट है स्पेस में। कौन से स्पेस में? जो बिटवीन सॉइल पार्टिकल के बीच में जो छेद हैं उनमें एयर भर जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग इन द सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन बाई प्लांट रूट, यानी जो प्लांट की जो रूट हैं वो जो रेस्पिरेशन करती हैं यानी श्वसन करती हैं, तो उसी के थ्रू वो ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई टू बोरोइंग एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स, एंट्स एंड टर्मिट्स। दे हेल्प इन एरिएशन एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म यानी सॉइल के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो मिट्टी में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, उनकी बात की जा रही है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, बोरोइंग एनिमल्स यानी जो बिलों में रहने वाले जंतु हैं, जिसमें आपका अर्थवॉर्म यानी केचुआ, मिलीपीड्स यानी गोजर झिंगू टाइप के, एंट यानी चींटी, और टर्मिट्स यानी जिनको दीमक को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? दे हेल्प, वो सहायता करते हैं किसमें? एरिएशन। एरिएशन क्या होता है? यानी जो जिसमें आपकी एयर जा सके, यानी ठीक है, एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, और जिससे जो है
सॉइल की जो है, जिससे पकड़ ढीली हो जाती है और लूज़ हो जाती है और वहाँ से एयर आ जा सकती है, ठीक है, उन होल से। अब यहाँ पर एक्टिविटी टू है, एम है टू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर, यानी आपको ये दिखाना है कि सॉइल एयर कंटेन करती है। मटेरियल रिक्वायर्ड है टू ग्लासेस ऑफ सेम साइज सॉइल जग एंड वाटर, यहाँ पे दो ग्लासेस चाहिए आपको, सॉइल जग और वाटर भी चाहिए। प्रोसीजर है कलेक्ट हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम योर स्कूल गार्डन, यानी आपको कलेक्ट करना है हैंडफुल, यानी अपने हाथों में भरकर सॉइल को अपने स्कूल गार्डन से। टेक टू ग्लासेस, आपको दो ग्लासेस लेने हैं सेम साइज़ के। पुट इक्वल अमाउंट ऑफ सॉइल इन ईच, और दोनों में इक्वल अमाउंट में सॉइल को डाल देना है। प्रेस द सॉइल डाउन इन वन ऑफ देम, तो अभी आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। उससे पहले इन साइड में देखिए कुछ बात लिखी है, एयर इन द सॉइल हैज़ लेस O2 एंड मोर CO2 देन इन द एटमोसफियर, यानी जो एयर है सॉइल में वो लेस यानी कम है O2 एंड मोर CO2 यानी CO2 अधिक है देन इन द एटमोसफियर, यानी हमारे वातावरण के हिसाब से, ठीक है। वहाँ पे था द ग्लास विद द फ्लैट सरफेस ऑफ द अदर ग्लास एड वाटर टू बोथ द ग्लासेस जेंटली टिल द ग्लासेस आर फुल, यानी सॉइल जहाँ तक हमने डाला है उसके बाद उसमें हमने वाटर डाला, और वाटर का लेवल ऐसा होना चाहिए कि सॉइल के ऊपर आ जाए वाटर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे आप, एयर बबल्स स्टार्ट इवॉल्विंग फ्रॉम द सॉइल इन बोथ ग्लासेस, आप दोनों ग्लासेस में देखेंगे कि एयर के बबल्स आपको दिखने हैं, जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा है, देख सकते हैं आप ये फिगर में आपको बबल्स शो हो रहे हैं। पर मिनट दैट कम अप इन द टू ग्लासेस यू मे आस्क योर फ्रेंड टू ऑब्जर्व वन ऑफ द ग्लास, राइट योर फाइंडिंग्स इन द टेबल गिवन बिलो, यू कैन सी लेजर नंबर ऑफ एयर बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द ग्लासेस ग्लास कंटेनिंग कंप्रेस्ड सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन आपका ये निकलेगा कि जो सॉइल है वो एयर होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है, जब उस पर हमने वाटर फुलफिल किया तो वो एयर वाटर के ऊपर जाती हुई हमें दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो इन साइड में अब क्या लिखा हुआ है, रूट्स टेक इन द एयर फ्रॉम रेस्पिरेशन, यानी रूट्स जो है एयर को टेक करती हैं एज रेस्पिरेशन के लिए, यानी श्वसन के लिए। दैट इज़ वाई द सॉइल नियर द रूट नीड टू बी लूजेंड फॉर प्रॉपर रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस, यानी जो प्लांट है जो उसकी रूट्स होती है उसके अगल बगल क्या होना चाहिए, थोड़ी ढीली पकड़ होनी चाहिए जिससे वो क्या कर सके, रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। अर्थवाम एंड अदर बॉरोइंग एनिमल हेल्प इन लूजनिंग द सॉइल, यानी जो अर्थवाम है या जो बॉरोइंग एनिमल्स हैं यानी जो बिलो में रहने वाले जीव हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं सॉइल को लूज करने में, ठीक है। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जो ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आपको इसी एक्टिविटी नंबर 2 के अकॉर्डिंग फुलफिल करना है, तो ऑल ऑफ यू इसको एक बार देख लेंगे जरूर। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी है एम टू सो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर मटेरियल्स रिक्वायर्ड वेजिंग बैलेंस सॉइल सैंपल बंसन बर्नर स्टैंड एंड बीकर विथ ए लिड, तो यहाँ पे आपको ये लेना है ये सारी चीज़ें। प्रोसीजर है टेक सम सॉइल फ्रॉम द स्कूल गार्डन रिमूव द स्टोन पीसेस फ्रॉम इट एंड वेट इट ऑन बैलेंस, नाउ पुट दिस सॉइल इन ए बीकर कवर इट विथ ए लिड एंड हीट इट वन फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, फिर ऑब्जर्वेशन आपको करना है, तो ये आप एक बार करके देखेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे पूरा इसको। ऑब्जर्वेशन में है ड्रॉप्स द वाटर कंडेंस ऑन द इनसाइड ऑफ द लिड एंड नॉन कूलर पार्ट ऑफ द बीकर, नाउ लेट द सॉइल कूल डाउन एंड वेट द सॉइल अगेन, ठीक है। यानी एक बार गर्म करके हम जब सॉइल का वेट करेंगे और नॉर्मल वेट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या डिफरेंस पाएंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, वाटर हैज़ इवेपोरेटेड फ्रॉम द सॉइल एंड कंडेंसेशन ऑफ द कूलर पार्ट ऑफ द लिड एंड बीकर, इफ़ यू वेट दिस साइल इट्स वेट विल बी लेस कंप्रेस टू द ओरिजिनल वेट, दिस इज बिकॉज द सॉइल हैज़ लॉस्ट वाटर, यानी
जब हम दोबारा वेट करेंगे बर्न करने के बाद, तो हम देखेंगे कि सॉइल का वेट लूज़ हो गया है, कम हो गया है। कम क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, यानी जो उसके अंदर वाटर या मॉइस्चर था, वो हीट करने पे इवेपोरेट हो गया, ठीक है, इसलिए उसका वेट लो हो गया। अब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल यानी हमारे यहाँ जो अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस फाइन ग्रेन पार्टिकल्स दैट मेक द सॉइल, यानी लगातार अपक्षय होना किसका? रॉक्स का। प्रोड्यूस करता है फाइन ग्रेन्स, यानी हमें अच्छे अनाज की उपज मिल सकती है, जो पार्टिकल दैट मेक द सॉइल, यानी जो सॉइल को बनाने वाले पार्टिकल हैं। सॉइल पार्टिकल्स आर ऑफ वेरिंग साइज, उनकी जो साइज़ है वो अलग अलग भी हो सकती है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल आर सैंड एंड क्ले, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हैं मुख्य क्या होते हैं? सैंड और क्ले होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ दिस मेक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, यानी जो इनका अंतर है इनके बीच का, वो अलग प्रकार के हैं सॉइल के, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ दीज रॉक्स पार्टिकल अलॉन्ग विथ ह्यूमस मेक द सॉइल, यानी इनके अंदर कौन सा मिक्सचर है रॉक के अंदर, कौन से पार्टिकल्स का? ह्यूमस का। ह्यूमस आपने पढ़ा हुआ है पहले ही, ठीक है। क्या है? एनिमल और प्लांट्स का जो रिमेन्स है, जब वो डेड कर जाते हैं तो वो सॉइल में मिल जाता है, जिससे सॉइल का कलर भी चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन, यानी सॉइल जो है वेरी करती है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है सॉइल बदलती जाती है, ठीक है, अलग रीजन में भी बदल जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट बात है हमारे चैप्टर में। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, यानी अलग अलग जो सॉइल है उनका क्या क्या कैरेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन में हम देखेंगे यहाँ पे, प्यारे बच्चों मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये बुक बाइंड हुई है और पहला वर्ड मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कैन बी क्लासीफाइड एज सैंडी क्ले एंड लूमी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंड क्ले सिट एंड ह्यूमस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी क्लासिफिकेशन है सैंडी क्लेई और लूमी सॉइल का, ठीक है। सैंडी सॉइल यानी जो बलुई मिट्टी होती है, क्लेई सॉइल यानी जो चिकनी मिट्टी होती है, लूमी सॉइल यानी जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है, यानी जिसमें नमी ज़्यादा है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसमें सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल और सबके बीच का डिफरेंस भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो सैंडी सॉइल क्या है? कंटेंस मोर देन 60% सैंड एंड लेस देन 10% क्ले, यानी जो सैंडी सॉइल है वो कंटेन करती है 60% सैंड को और लेस देन 10% क्ले को, यानी 60% उसमें बालू है और 10% उसमें क्ले है, यानी चिकनी मिट्टी है, ठीक है। और क्ले सॉइल क्या कंटेन करती है? वो 60% क्ले को कंटेन करती है। लूमी सॉइल कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ह्यूमस। जो लूमी सॉइल है वो चार चीज़ें अपने अंदर रखी हुई है, ठीक है, जैसे सैंड है, क्ले है, सिल्ट है और ह्यूमस है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, जो सैंड पार्टिकल साइज आर बिगर डायमीटर ग्रेटर देन 0.2 mm, दे आर कोर्स टू टच, यानी जो आपकी सैंड वाले पार्टिकल है उनकी जो डायमीटर है यानी उनका जो व्यास है वो 0.2 mm तक है, बड़ा है सबसे, और दे आर कोर्स टू टच, ठीक है, यानी उनको अगर हम छूते हैं तो कैसे प्रतीत होते हैं हमें यानी उनका छूने पे भुरभुरा टाइप का यानी खुरदुरा टाइप का लगता है, ठीक है। फिर है क्ले पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल, जो क्ले पार्टिकल है उनके साइज वेरी बहुत ही छोटे होते हैं, 0.002 mm से होते हैं, दे आर स्मूथ एंड स्टिकी, वो बहुत ही स्मूथ यानी मुलायम होते हैं, स्टिकी यानी चिपचिपे होते हैं, फिसलते भी हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द टू डायमीटर बिटवीन 0.2 mm एंड 0.002 mm, दे आर पार्शली ग्रिटी एंड स्मूथ। और आपके जो लूमी सॉइल हैं इनके जो पार्टिकल हैं ये दोनों सॉइल के बीच के हैं, ठीक है, 0.2 mm से 0.002 mm तक, ठीक है। और ये पार्शली क्या होते हैं? ग्रिटी, ग्रिटी मतलब ये होते हैं
रेतीले टाइप के होते हैं और स्मूथ भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैव लार्ज स्पेस बिटवीन सैंड पार्टिकल, और जो सैंडी सॉइल है उसके बीच में उनके स्पेस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिसके रीज़न से उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, क्ले सॉइल हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द क्ले पार्टिकल, क्ले पार्टिकल जो हैं उनके बीच में बहुत छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू, और इनके बीच में कैसा होता है, इंटरमीडिएट स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट है, सैंडी सॉइल कैन होल्ड एयर, जो सैंडी सॉइल है वो एयर होल्ड कर सकती है, बट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, वाटर नहीं होल्ड कर सकती, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा होने से वो एयर को होल्ड कर लेती है बट वाटर को होल्ड नहीं कर पाती, नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है, सैंडी सॉइल। फिर नेक्स्ट है क्ले सॉइल, दे कैन होल्ड वाटर बट कैन नॉट होल्ड मच एयर, और जो आपकी क्ले सॉइल है ये वाटर को होल्ड कर लेती है यानी कीचड़ वाली मिट्टी, बट ये एयर को होल्ड नहीं कर पाती है, तो ये भी एक प्रकार से अच्छी नहीं है आपके प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट यहाँ पर ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ एज सॉइल कैन नॉट होल्ड एयर फॉर रूट्स टू ब्रीथ। नेक्स्ट है, दे हैव द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड आर वेल एरेटेड, और आपका जो क्ले सॉइल है वो वाटर को राइट अमाउंट में होल्ड करती है और उसमें एरेशन भी है, तो वो हमारे प्लांट के लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन अलोंग विथ अदर सीमेंटिंग मटेरियल, और जो सैंडी सॉइल है उसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं जैसे सीमेंटिंग मटेरियल में। और नेक्स्ट हमारा है यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्री आइडल्स एंड ब्रिक्स, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्ले सॉइल को इससे हम मिट्टी के बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं और ब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इन सब जगह हम इसको यूज़ करते हैं। लूमी सॉइल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, दे आर गुड फॉर फार्मिंग एंड गार्डनिंग एंड इज़ बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, इसको हम यूज़ करते हैं गार्डनिंग में, फार्मिंग में, फार्मिंग यानी कृषि क्षेत्र में, ठीक है, एग्रीकल्चर यूज़ इसका होता है काफ़ी, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, इसमें अगर हम कोई फसल डालते हैं तो वो फसल हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 4 है, इस एक्टिविटी को आपको खुद अपने आप से पढ़ के बताना है मुझे, अभी क्लास में जब हम आप पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, आप बताएंगे, ओके। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।